nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. गॉड, यकीन ही नहीं आता है कि आप 10 साल के थे वाइल यू नो ऑफ कोर्स शेयरिंग द स्टेज उस विद टाइम मेरी आवाज होगी मेरे बड़ी सुनो सारा वैसी आवाज होगी मेरी, लेकिन अभी थोड़ी भारी हो गई है. बट इट्स मेमोरीज आर फ्लडिंग इन. एंड वो जब मैंने रिकॉर्ड किया था गाना, उस वक्त अमित जी का बर्थडे भी था, तो बहुत ही स्पेशल ओकेजन था. वो स्टूडियो में थे एंड ऑब्वियसली मैं उनको ऐसे देख रहा था बिकॉज ही इज सच अ टावरिंग पर्सनैलिटी. एंड यू नो वो रैप भी कर रहे थे, वो सिंगिंग, एंड सब लोग जानते हैं यू नो हाउ गुड अ सिंगर ही इज डिस्पाइट बीइंग सच एन फेनोमिनल एक्टर. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. आई एम ग्लैड दैट दैट वाज माय फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक एंड विशाल शेखर के साथ वो गाना था. या आप कितने सारे हीरोज को वॉइस दे चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा एक हीरो है जो विच योर वॉइस सूट्स द बेस्ट? आई एम नॉट श्योर येट, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के लिए गा चुका हूँ. मैं वरुण धवन के लिए भी गा चुका हूँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी गा चुका हूँ, सलमान खान के लिए सबसे पहला जो डेब्यू था उनके लिए गाया है मैंने. तो मैं खुद मतलब मैं कंफ्यूज था. मैंने सलमान भाई को पूछा भी था कि नो डू यू थिंक माई वॉइस विल सूट यू, तो उन्होंने बोला मैं पतला हो जाऊँगा 18 का मैं लगूंगा तो इट सूट हो जाएगी. एंड यू नो एक आई डोंट फील लाइक आई डोंट नो अभी तक, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था एक एक्टर की एक वॉइस होती थी, लेकिन आज बहुत अलग हो चुका है. हर एक गाना अलग अलग सिंगर गाता है. सो इन द सिनेरियो राइट नाउ आई फील लाइक एक गाना था 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आया तेरे पास, एंड उस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा थे एंड उन पर फिल्माया गया था. सो आई थिंक इट सूट्स हिम अ लॉट. उनकी जो लिप सिंकिंग है ऑन स्क्रीन वो मेरे आवाज़ के साथ बहुत मिलती है. तो उनके लिए एक और गाना गा रहा हूँ मैं फॉर अ न्यू फिल्म. सो इट्स रियली अमेजिंग एंड दिस चेन इज ऑलवेज देयर विद मी. इसे एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज अ फैन हैज़ गिफ्टेड दिस टू मी, फैन इन कैलिफोर्निया. एंड मैं एक कॉन्सर्ट के लिए गया था एंड शी गिफ्टेड दिस टू मी. एंड ये एक क्राउन है एंड मुझे प्यार से मेरे फैंस प्रिंस बुलाते हैं. So I feel like this is a befitting gift for me, and of the appreciation. Definitely, I feel like jo bhi fans hai mere worldwide, they've given me a lot of love, and main unko mere dil ke kareeb rakhta hu. Ye actually mere dil ke kareeb hai. So, stage ke you know just before you go on to the stage, is there any koi ritual hai jo aap mante hain, kuch karte hain? Main jo steps hote stage ke, unko pehle chhuta hu, and main apne man ke yahan rakhta hu, and I kiss it. And then I go on stage. That's one ritual. Second ritual is that before going on stage, आज तो फिर भी हम लोग बातें करने वाले. We're not going to be performing that much. थोड़े थोड़े गाने गाऊंगा मैं, लेकिन it's not a full fledged performance. लेकिन I like being in silence. मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, बात नहीं करता हूँ. आधे घंटे पहले before the concert, I'm always in my own zone. जैसे कोई यू नो योगा पर्सन हो, एंड आई एम जस्ट मेडिटेटिंग एंड साइलेंस में रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. सो वी वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम. थैंक यू सो मच एंड डू स्टे ट्यून्ड टू अरमान सेशन राइट नाउ ऑन एजेंडा आज तक. कमिंग वेरी वेरी सून. हम लोगों ने 4:45 कहा था मेरे सोशल मीडिया पे भी, लेकिन वी रनिंग अ लिटिल लेट. बट डोंट यू नो स्विच द चैनल. दिस इज द चैनल टू बी एट राइट नाउ. आई एम गोना बी कमिंग सून. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स.